आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम टू जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम टू है मैंने क्लास नाइन्थ की साइंस की एस फिजिक्स की एस चांद की बुक से लिया है ये क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो आपको ये क्वेश्चन जो है चांद की बुक में मिल जाएगा। सैम्पल प्रॉब्लम टू क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एंड थ्री वी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए जो वी दिया हुआ ना स्मॉल वी में दिया हुआ, ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, हमें यहाँ पर इन दोनों बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी निकालना है और उनका रेशियो निकालना, मतलब इन दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। टू बॉडीज बोल रहा है, टू बॉडीज यहाँ पर और दोनों बॉडीज का मास क्या सेम है। तो देखिए दो बॉडीज यहाँ पर, बॉडीज कुछ भी हो सकता है आपका, तो मैं बॉल मान लेती हूँ ना, ठीक है। वो दो बॉडीज क्या है, बॉल है, बॉल की शेप में। तो ये हो गया, ये मेरा फर्स्ट बॉडी है, ठीक है, और ये मेरा क्या है सेकंड बॉडी है। दो बॉडी की बात हो रही है तो दो बॉडीज ले लिया और दोनों का मासेस सेम है, यानी कि इसका मास एम है तो इसका भी मास एम रहेगा, ठीक है, सेम मासेस है। अच्छा, ये दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो वह दोनों बॉडीज किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि फर्स्ट बॉडी जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, देखिए वी वेलोसिटी से। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ स्मॉल वी, ये स्मॉल वी है, ठीक है ना, स्मॉल वी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है पहला बॉडी, और सेकंड जो बॉडी है वो थ्री वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि थ्री वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉल वी है, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, ठीक है, ये थ्री वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप दोनों में फर्क देख सकते हैं कि दोनों बॉडी का मास तो सेम है लेकिन ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये थ्री वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब कि इसकी स्पीड वेलोसिटी ज़्यादा है स्पीड, ठीक है ना, सेकेंड बॉडी की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इन दोनों बॉडीज का हमें काइनेटिक एनर्जी निकालकर उनका रेशियो निकालना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले मेन जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो वी है वेलोसिटी और एम जो है मास है, यहाँ पर जो वी है कैपिटल वी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, के ई इक्वल टू हाफ, अब देखिए एम है तो यहाँ पर इस बॉडी का मास क्या है, एम है, इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस बॉडी का वेलोसिटी क्या है, वी क्या है हमारा, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वी जो है हमारा कैपिटल वी जो है, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट बॉडी का जो वेलोसिटी है कैपिटल वी वो कितना है, स्मॉल वी है। देखिए ये दोनों में फर्क है, यहाँ पर ये कैपिटल वी जो है ये वाला वी है और ये वेलोसिटी बताता है। तो फर्स्ट बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, स्मॉल वी है, देखिए ये स्मॉल वी कैपिटल और स्मॉल वी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन फॉर्मूले में देखिए हाफ और ये एम और ये वी स्क्वायर है। तो वी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वी यहाँ पर स्मॉल वी दिया हुआ है, तो स्मॉल वी है वी की जगह क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, देखिए स्मॉल वी है तो छोटा थोड़ा लिखिएगा और यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ है एम और इसको दो बार इंटू करेंगे तो स्मॉल वी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह से देखिए सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी क्या है, यानी कि ये कैपिटल वी, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल वी क्या होगा सेकेंड बॉडी का, थ्री वी है, देखिए थ्री और स्मॉल वी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेकेंड बॉडी का जो वेलोसिटी है वो थ्री और स्मॉल वी है। तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा क्योंकि ये भी मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू ये एम है तो एम मास क्या है, इसका भी मास एम ही है, स्मॉल दोनों का मास सेम है तो एम रहेगा, इंटू वी स्क्वायर, देखिए ये कैपिटल वी स्क्वायर है तो कैपिटल वी यहाँ पर कितना दिया हुआ, इसका वेलोसिटी कितना है, थ्री और ये स्मॉल वी है तो वी 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 स्क्वायर, यानी कि इसमें वी की वैल्यू क्या है, थ्री वी, तो थ्री वी पहले लिखिए, वी छोटा लिखिएगा और स्क्वायर बोल रहा है तो अब यहाँ पर स्क्वायर लगाइए, तो ये पूरा क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया, इसकी जगह ये हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया हाफ एम और थ्री वी का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर लगा तो थ्री को पहले दो बार इंटू कीजिए, थ्री टू जा नाइन और वी को भी दो बार इंटू कीजिए तो वी इंटू वी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल वी, ठीक है ना। तो ये पहला ये काइनेटिक एनर्जी है किसका, फर्स्ट बॉडी का, तो मैं यहाँ पर वन लिख दे रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी वन, और ये सेकंड बॉडी काइनेटिक एनर्जी है तो ये काइनेटिक एनर्जी मैं टू लिख दे रही हूँ। अब दोनों को क्या निकालना, हमें रेशियो निकालना, तो चलिए रेशियो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, यही तो होगा ना रेशियो, इक्वल टू, तो फर्स्ट बॉडी काइनेटिक एनर्जी कितना आया, हाफ एम और देखिए स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन इसका क्या आया, हाफ एम नाइन और स्मॉल वी स्क्वायर। तो देखिए ये हाफ कैंसिल, ये एम कैंसिल, ये वी स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या रहा अब, वन अपॉन नाइन, तो रेशियो क्या हुआ, वन इज टू नाइन। तो यही आंसर है। तो अगर जहां आपको क्वेश्चन ना समझ में आया मुझे कमेंट करके